बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको कपास से गुलाबी सुंडी की तलफी के हवाले से कुछ मालूमात दी जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि गर्म और खुश्क मौसम की वजह से थ्रिप्स और तेला जो है ना, ये इन्होंने तो आगे ही लगाया हुआ है। शायद मक्खी जो है वो भी और गुलाबी सुंडी जो है ये लाइन में लगी हुई है, बस आने ही वाली हैं, आ चुकी हैं तकरीबन। बात यह है कि इसकी जो गुलाबी सुंडी है ना, इसे कंट्रोल करने के लिए खेत को कड़वा रहना ज़रूरी है। कड़वा रखने के लिए साफदार है कोई, या तो रोजाना एक दिन छोड़ के एक दिन स्प्रे होती रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। बहुत जो पेस्टिसाइड है वो बहुत महंगी हैं, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अगर कपास को गुलाबी सुंडी से बचाना है ना, तो पहली तो बात ये है कि 3G अकसाम लगानी ये मजबूरी है, या बहुत अगेती कायद करके, इसके बगैर चारा नहीं है। काफ़ी अगेती लगे कि ताकि सुंडी के आने से पहले पहले जो है ना, हमारी क्राप ये अच्छी तरह कुछ ना कुछ इसमें से हासिल कर लिया जाए। बल्कि मेरे एक दो काश्तकार ऐसे मेरे रबते में हैं जिन्होंने टनल में ये खरबूजे के साथ 10 एकड़ लगाई, और अभी तक वो 20 मन तक जो पहली चुनाई हो भी चुकी है, 100 मन का टारगेट लेकर चले हुए हैं बाहर का। अब ये वसी पैमाने पे मुमकिन नहीं है, उस वक्त जगह ही खाली नहीं होती, ना ही हर कोई बंदा टनल में उगा भी नहीं सकता। लेकिन ये कन्फर्म्ड है कि हमें अगेता आना पड़ेगा, मैक्सिमम अगेता आना पड़ेगा, बेशक इसको टनल में लाएँ। जैसे में अगर कपास को बचाना है ना, तो इसको अगेता करना पड़ेगा। एक तो ये बात पक्की है, आज नहीं तो कल, अगले साल, 2 साल बाद, 4 साल बाद इसी पे आना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो हमारे लिए ऐसा लिमिटिंग फैक्टर बन गया है ना, वो कपास को होने नहीं देता। गुलाबी सुंडी को मैनेज करने के हवाले से एक जरूरी बात यह है कि फेरोमोन ट्रैप जो है ना, उसके नर परवाने के हवाले से जिनसी फंदे जो है ना, वो मॉनिटरिंग के लिए जो है ना, जिसके अंदर गोसीपलोर होता है, कि वो 25 एकड़ के ब्लाक में एक ट्रैप भी लगा दिया जाए ना, तो उसे भी जब आना शुरू हो जाए तो अंदाजा हो जाता है कि भाई ये गुलाबी सुंडी का टाइम हो गया, तो स्प्रे का बंदोबस्त करना कर लेना चाहिए। बाकी रहा कि कौन सी पेस्टिसाइड जो है इसके खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा दिनों तक इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन ये रेडिएंट या डेलीगेट जो है ना, स्पिंटोराम, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इनका ड्यूरेशन भी ज्यादा है, ये ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इनके ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये हम करते रहे 15 दिन बाद करेंगे तो भी ये नुकसान कर जाती है। कीड़ा तो 2-3 घंटों की बात है, वो वारदात कर जाता है। तो बाकी ना जो अच्छी अच्छी इफेक्टिव किस्म की प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में, उनमें एलिवेस्ट जो है ना, जिसमें क्लोरेंटा नीलीबोल प्लस बाइफेन्थ्रीन है, एलिवेस्ट जो है ना FMC की प्रोडक्ट है, ये मैंने आजमाई है, इसका रिजल्ट जो है ना ज्यादा दिनों तक बरकरार रहता है। एम्प्लीगो है, क्लोरेंटा नीलीप्रोल और लैम्डा साई एलोथ्रीन, ये सिंजेंटा की प्रोडक्ट है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटाल जो है ना, एक्सटाल का मैंने देखा है कि इसमें चूंकि ट्राइएज़ोफास और लूफेनुरान के अलावा इंडोक्साकार भी है, बड़ी कंप्लीट किस्म की है, महंगी भी है, ये दवाई जो है इसका असर भी ठीक ठाक है। क्रूजर है जिसमें बीटा सिफलोथिन और ट्राइएज़ोफास है, वो 4B की प्रोडक्ट है। बाकी रहा कि इतनी ज्यादा बता रहे हैं इनमें से कौन सी इफेक्टिव है, देखें इसके ऊपर वो लगाएंगे, हम पोस्ट भी लगाएंगे, उसमें इसकी कीमतों का भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन एक मैं अर्ज करता हूँ कि सस्ती प्रोडक्ट और जो हफ्ते में 2 मरतबा भी करते रहे तो बंदे को तो की जो है ना ज्यादा मुश्किल नहीं। वो है एबारोन, ये अलनूर केमिकल की है, जिसमें क्लोरफ्लोजुरान है, ये तकरीबन नया मालिक्यूल तो नहीं, काफी सालों से चल रही है, प्लस एबामेक्टन है, ये 350 मिलीलीटर के हिसाब से स्प्रे कर दी है। बल्कि मैं अर्ज करता हूँ कि आप अगर तालस्टार FMC जो है ना, तालस्टार को ही मुर्शद मान लेना, हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा ये स्प्रे करते रहे, या प्रो एक्सेज है गैमा साई एलोथ्रीन, इन दोनों में से एक ले लें, तो आप देखेंगे कि जो है ना ज्यादा नुकसान नहीं कर सके। क्योंकि जो है ना कि अकेला इनके ऊपर डिपेंड करना पेस्टिसाइड के ऊपर, ये 100% इससे जो है ना बचाव मुमकिन नहीं है।